वैसे गुलाब जामुन लाने के लिए जाते हैं खोआ, वैसे मोइनपुरा में तालिब भाई का फेमस है खोआ। आना छोटे, अरे करीब आना, ठीक है भाई थोड़ा तो मुँह में ले लूंगा, बाद में आपको दे देता हूँ। शर्माना नहीं पड़ता इतना लेने के लिए, शर्मा रहा है यार तू भी, हर कोई परेशान है मेरी आंखों से। हुस्न देता है दावते जलवा, अच्छा पर्दे उड़ उड़ कर चूमते है तालिब भाई को, इतने बदलाम हो गए तालिब भाई जब लोग मुड़ मुड़ के देखते है उनको। तुझमें अगर कोई बात है तो जताता क्या है, और अपनी कमजोरी का ये एहसास दिलाता क्या है। हमको मालूम है कि पानी की बूंद पे टिकी है ये दुनिया, डूबना सबका मुकद्दर है, डराता क्या है। अभी हमें नागपुर के मोमिनपुरा में, और यहाँ हम आ गए तालिब भाई के पास, जिनका पोहा इधर बेहद ज्यादा मशहूर है। अपने पास केवल पोहा मिलता है, कुछ और भी मिलता है? पोहा है, चना है, नींबू है, टमाटर है, प्याज है, मोहब्बत की एक मिर्ची भी है। मोहब्बत की मिर्ची भी है? तो गाइस मैंने सुना था तालिब भाई के पास केवल पोहा नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। तालिब भाई पोहा नहीं देते, सिर्फ मोहब्बत भी करते हैं लोगों से। मोहब्बत भी करते हैं लोगों से? हमारे जमील भाई है, देखो जमील भाई के लिए कुछ सुनाओ ना। सुना देंगे, अभी तो आए हैं और अभी दामन संभाला है, अभी तो आए हैं अभी दामन संभाला है, और इनकी जाओ जाओ में तो मेरा दम निकाला है। अरे वाह, तालिब भाई कितने सालों से बना रहे हो आप पोहा यहाँ पे? 14 सालों से बना रहे हो। तालिब भाई एक बार अपना पोहा दिखाइए आप। ये पोहा मेरा है। अच्छा, ये आपका पोहा है और साथ में तरी के साथ दिया जाता है, तो ये इनका तरी और रसा है, तो ये तो काफी तीखा होगा। नहीं नहीं, कितने रुपए की प्लेट है तालिब भाई अपनी? फुल है, 15 रुपया। तो फिर तो आप फुल ही कर दो, 20 रुपए की फुल प्लेट है। तो पहले देखिए पोहा लिया जा रहा है, और अभी ये इसके ऊपर आएगा रसा, रसा और चने, चने छोले दोनों हैं जी, तीनों मिक्स है, और आलू भी है, क्या बात, और टमाटर भी ऊपर से डाले गए, तरी तैयार हो गया तालिब भाई, और भी जाएगा बहुत है, रुक से जाओ थोड़ा सा। अरे खीरा भी है इसके ऊपर, और सेव भी, ये थोड़ा सा मोहब्बत का खट्टे वाला मेरा नींबू भी है। अच्छा, खट्टे वाली मोहब्बत है आपकी, क्या बात। जायके के लिए मट्ठा दे भाई का। तो गाइस पोहे मैंने नागपुर में बहुत सारा खा लिए हैं, पर ये सबसे लोडेड पोहा है, इतनी सारी चीजें मैंने पोहे के ऊपर डलती हुई कहीं नहीं देखी है। एक मिनट, पहले मैं पूरा कर लूँ फिर बाद में लेना, क्योंकि तो तकलीफ हो जाएंगे, फिर कभी इधर चला जाएगा कभी उधर चला जाएगा, नहीं लाला तो बीच में चला जाएगा। ये लंबे वाले दू? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी भी कुछ ऐसी तमन्ना रहती है कि लंबे वाला रहे तो ही मजा आता है, लेने का दिल करता है मेरा। ठीक है, ले लेंगे ना? ठीक है, मैं भी देखूँगा तेरे को, तेरी उम्र के हिसाब से तो लगता नहीं कि तू ले पाएंगे, फिर भी ट्राई मार दे एक बार। कौन सी बैंक से लाया तो इतना नरम नरम, तेरा अब्बा का गीला हो गया था क्या? पैंट रे, मुझे लगता है पूरे मोमिनपुरा की जान हो आप। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मोहब्बत ही, बहुत मोहब्बत लगता है यार भाई, बहुत मोहब्बत करते लोग मेरे। आइए जनाब लेने के लिए, खुद ही आना पड़ेगा। अरे बिल्कुल लाइए, मैं दूंगा ना आपको हाथ के अंदर में, हाथ के अंदर में देंगे। बिल्कुल लीजिए, पोहा ही देंगे ना हर बार, और कुछ देना चाहेंगे तो वो भी बता देंगे, वो भी तमन्ना पूरी कर देंगे आपकी। तो आप तमन्ना भी पूरी करते हो? जी जी जी। तो गाइस यहां तमन्नाएं भी पूरी होती है अगर आपको करनी है, क्योंकि मेरी तमन्ना केवल पोहा खाने की है, और पोहा सच में मतलब बहुत लोडेड है। नागपुर में क्या मिलता है, पोहे के ऊपर चना मिलता है, तरी मिलती है, सेव मिलती है, यहाँ आलू भी है इसमें, छोले भी हैं, खीरा भी दिया है, और खट्टे वाला प्यार भी डाला है इन्होंने अपना नींबू नींबू करके। टेस्ट देखते हैं टेस्ट कैसा है, पोर्शन तो बहुत ज़्यादा है 20 रुपए के हिसाब से, तो बड़ी मोहब्बत से खिलाते हैं ये। राजू तालिब भाई की बातें अपनी तरफ, पोहा अपनी तरफ, पोहा बहुत ही बढ़िया हो रखा है, जैसा तीखा स्वाद नागपुर में आता है बेहद स्पाइसी, बिल्कुल वही आ रहा है, यहाँ खा के महसूस हो रहा है पसीना पसीना आ रहा है, तो पता चल रहा है कि नागपुर वाला पोहा है, लेकिन स्पाइसीनेस के साथ नींबू डाला हुआ है, तो खट्टेपन से वो और अच्छा हो रखा है, तो हल्की सी दही भी डली हुई है, तो टेस्ट जो कुल मिलाकर आ रहा है। आज मेरे को 6ठा दिन है नागपुर के अंदर, और 6 दिन में मैंने यहाँ पे 6-7 जगह पोहा ट्राई किया है, मतलब जो यहाँ की फेमस लोकेशन है पोहे की। ये जो पोहा है ये हम सारे पोहे में सबसे टेस्टी है, तो अगर आप नागपुर आ रहे हैं, बाकी जो चीज़ें नेट पर फेमस हैं वहाँ पोहा खाएं या ना खाएं, एक बार आप यहाँ जरूर आएँ तालिब भाई के पास। तालिब भाई की बातें तो जैसी हैं ही, आपको मज़ा आएगा, पोहा खा के आपको डेफिनेटली मज़ा आने वाला, अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है, बेहद बेहद टेस्टी, मुझे पोहा बहुत पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड, एंड नो मैटर वेयर यू आर आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री। तो तालिब भाई अपना जरा एड्रेस तो समझाइए, कोई और भाई अगर आना चाहे आपसे। बस जाट लेन सैफी नगर, किसको ही पूछ लेना। और टाइमिंग क्या रहती है, किस टाइम मिलते हो आप यहाँ पे? मैं 8 बजे से लेके 12-1 बजे तक करता हूँ, उसके बाद नहीं मिलूंगा। नहीं नहीं, उसके बाद नहीं, उसके बाद बंद रहता अपना, बस इतना 5-4 किलो बेच के पूछ रहता हूँ मैं, बाकी मेरे को इतनी दौलत नहीं चाहती, शौहरत नहीं, बस मालिक के घर में जगह मिल जाए, अच्छे सुकून से, वही बहुत बड़ी बात है। ये होना चाहिए एटीट्यूड जो तालिब भाई का है, वरना लोग आजकल पैसे के पीछे पागल हो रखे हैं। पैसा किसी ने छाती पे लेके नहीं गया भैया, मैं लेके जाऊंगा, कफन में जेब नहीं हो रहा है,